गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में देखे थे, आज हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग का आज का टॉपिक है सुनिए, जैसे कि हम लोग का इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ने का क्या मोटिव, देखिए कोई फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना, उसको जानने के लिए हम लोग पहले जानेंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, ठीक है। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं हुआ तो फिर उसका इन्वर्स हम लोग फंक्शन का नहीं निकाल सकते, फंक्शन का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। अब जैसे कि कोई फंक्शन अगर f है, ठीक है, अगर वो 1-1 भी है और on 2 भी है, यानी 1-1 and on 2 है, तभी जाके वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। क्या होगा, यानी कि उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। दो मिनट वीडियो रोको, तो वीडियो रोको ना दो मिनट। तो देखते हैं हम लोग कि इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फंक्शन अगर 1-1 और 1-2 दोनों हैं, ठीक है, तो उसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन किसी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकालते कैसे हैं, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, कि फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है, फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कि लिखिएगा यहां पर, अगर किसी फंक्शन का हमको इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स, तो सबसे पहले वह फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन 1-1 और ऑन 2 दोनों होना चाहिए, हाँ, यानी कि f अगर बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, तभी उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में इसका करेंगे क्या, डेफिनेशन वगैरह हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अगर हमको किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे, जैसे कि हम लोग के पास क्या है, वाई इक्वल्स एफ एक्स बराबर है 2x+3, क्या है 2x+, और f मैप है R2 R, f मैप क्या है R2 R। अगर इसका इनवर्स हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन 1-1 है कि ऑन 2 है कि दोनों है। अगर यह फंक्शन 1-1 और ऑन 2 दोनों हो गया, तभी जाके हम कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसकी यानी कि इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात क्या समझे आप लोग, कि अगर किसी फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन क्या हो, 1-1 एंड ऑन 2 हो, क्या हो, 1-1 एंड, तभी जाके उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्टली हम ये देखेंगे कि फंक्शन गिवन जो है ये 1-1 है कि ऑन 2 है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो 4-1-1 वही पीछे वाली बातें हम लोग करना है इसमें, ठीक है। x1 x2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, fx1। अब क्या हो जाएगा, 2x+1+3 बराबर 2x2, 3-3 कट गया, क्या हो गया, x में बराबर, मतलब देयरफॉर ना लिखेंगे, सिंस f ऑफ x1 बराबर f ऑफ दैट इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय x1 बराबर, देयरफॉर f इज एन 1-1 फंक्शन, ठीक है। 1-1 फंक्शन हम लोग देख लिए,
कि वन वन फंक्शन तो ये है। अब क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए ये वन वन फंक्शन नहीं होता, वन वन फंक्शन, तो ऑन टू देखने की आवश्यकता हमको क्यों, क्योंकि हमको दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो उसका इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब लिखिएगा फोर ऑन टू वाई बिलोंग्स टू, हम लोग आर ले रहे हैं तो को डोमेन से लेंगे, तो एक्स किससे आना चाहिए, डोमेन से आना चाहिए, वाई इक्वल्स एफ एक्स लिखेंगे, यानी कि टू एक्स प्लस। अब वाई किसके पदों में है, एक्स के पदों में, तो एक्स को किसके पदों में लाएंगे, चलिए तो टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, चलिए अब क्या लिए हैं, चूंकि y कोई रियल नंबर है, y क्या है कोई, तो बताइए y माइनस थ्री रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर में से अगर तीन घटाएंगे तो क्या आएगा, हमको रियल नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो से भाग करेंगे तो भी क्या आएगा, हमको रियल नंबर आएगा, यानी कि x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, तो रियल नंबर आएगा, माने कोई भी दो वास्तविक संख्याओं का जोड़ अंतर गुना भाग सब क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, यानी y अगर r में कोडोमेन में बिलोंग किया तो x भी किस में बिलोंग कर गया, r में, इसलिए क्या लिखोगे कि f इज एन ऑन टू फंक्शन, f इज एन। अब सुनिए एक और बात, सुनिएगा एक और बात, अब ये वन वन और ऑन टू हो गया, वन वन ऑन टू, तो अब ही इसी केस में, माने इस केस के बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते। अब इनवर्स निकलेगा कैसे, इनवर्स उसका कैसे निकलेगा, जैसे यहां पर लिखेंगे लास्ट में, सिंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ इज देयरफोर एफ इनवर्स इज, एफ इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब एफ इनवर्स का अस्तित्व है, यानी एफ इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बाइजेक्टिव है तो इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इनवर्स होगा क्या, तो समझिए, अगर वाई इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री है, वाई इक्वल्स क्या है, टू एक्स प्लस थ्री, तो वाई इक्वल्स अगर एफ एक्स है, ठीक है, और एफ आपका वन वन एंड ऑन टू दोनों है, यानी एफ क्या है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो आप लोग x बराबर लिख सकते हैं f इनवर्स y, क्या लिख सकते हैं, कब, जब f क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन, याद रख लीजिएगा, when f is बाइजेक्टिव फंक्शन then f इनवर्स exist, सिंपल भाषा में कि f अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी जाए क्या होगा, f इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ है तो फिर हम लोग f इनवर्स नहीं निकाल सकते। बात समझ रहे हैं, चलिए तो अब कहिएगा सर x बराबर f इनवर्स y हुआ सर, बिल्कुल, x का मान क्या आया है, कितना आया है, y माइनस x बराबर कितना हो गया, y माइनस तीन बटा दो, क्या हो गया, x बराबर y माइनस तीन बटा दो। तो अगर किसी फंक्शन का हमको इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, तो इनवर्स निकालने से पहले क्या देखेंगे हम लोग कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। आप पता चला कि हम लोग, सुनिए, पता चला कि हम लोग इनवर्स निकालने के लिए चले और पता ही नहीं है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, सो अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ कितनों नाक रगड़ जाइएगा उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, अगर आप निकाल भी लेते हैं तो वो गलत होगा, क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर f इनवर्स y कितना हो गया, f इनवर्स y कितना हो गया, हो y माइनस तीन बटा दो। अगर आपसे पूछता f इनवर्स x वगैरह निकालो तो क्या निकालते, f इनवर्स x का तो अगर निकालने के लिए तो क्या करते हैं, बताइए, ये y के जगह क्या कर देंगे, y के जगह क्या कर देंगे, x रख देंगे, क्या रख देंगे, तो अगर f x दिया रहे तो आप लोग इनवर्स उसका निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, हाँ, यही क्या हो गया आपका इनवर्स हो गया, क्या हो गया, इनवर्स। बात समझ रहे हैं, अभी हम लोग इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे हैं, आगे हम लोग इसका डेफिनेशन वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, लिखिए पहले इसको, उसके बाद आप इन्वर्टिबल फंक्शन का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो लिखो, लिखो, ए फंक्शन है,
देखो ए फंक्शन एफ मैप सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी मैप बी टू ए। देखिए एक फंक्शन जो है ए टू बी में उसको इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहा जाता है, जब कोई ऐसे फंक्शन जी मैप बी टू ए का अस्तित्व इस प्रकार है सच दैट एफ ऑफ जी बराबर आइडेंटिटी ऑफ बी। अब देखिए यहां पर बी क्यों लिया गया है, क्योंकि जी का जो डोमेन होगा एफ ऑफ जी का वो बी सेट होगा, क्या होगा, इसलिए यहां पर बी लिया गया है। एंड जी ऑफ एफ, अब बताइए यहां पर हम क्या लेंगे, कौन सा सेट लेंगे, यहां पर कौन सा लेंगे, ए सेट लेंगे, कौन लेंगे। अब सुन लीजिए, अगर ऐसा हो रहा है एफ ऑफ जी बराबर आइडेंटिटी ऑफ बी, जी ऑफ एफ बराबर आइडेंटिटी ऑफ ए, यानी कि मान लीजिए यहां पर एक्स अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, तो यहां पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए एक्स के रूप में। अब एक्स के रूप में आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, हम पढ़ाए होंगे आइडेंटिटी फंक्शन, क्या पढ़ाए होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। बंद करो वीडियो, ठीक है, क्या होगा, ए फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी इज सेड टू बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी मैप्स बी टू, मतलब कोई फंक्शन अगर एफ है जो ए से बी में मैपिंग करा रहा है, ठीक है, इसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन कब बोलेंगे, जब एक ऐसे फंक्शन का अस्तित्व हो रहा है उसी में जी मैप्स बी टू ए, जैसे ए से बी में है, अब बी से ए में एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है कि एफ ऑफ जी बराबर आइडेंटिटी फंक्शन फॉर सेट बी एंड जी ऑफ एफ बराबर आइडेंटिटी फंक्शन फॉर सेट ए। अगर मान लीजिए यहां पर हम एक्स रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, एक्स आएगा, अगर वाई रखेंगे तो वाई आएगा, बात को समझ रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। देन जी, अब सुनिए, इस कंडीशन में तो पहले लिख दिया है कि इन्वर्टिबल फंक्शन कहा जाता है जब ऐसा होता है, देन एफ इनवर्स एंड जी इज सेड टू बी एन इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, यानी क्या बोलेंगे, एफ का इनवर्स हम किसको बोलेंगे, जब एफ ऑफ जी बराबर आइडेंटिटी जी ऑफ एफ बराबर भी, दोनों केस में अगर मान लीजिए यहां पर हम एक्स रख दिए, क्या रख दिए, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, अगर यहां पर वाई रख दिए तो क्या आना चाहिए, ठीक है, जो रखेंगे ना, यहां एक्स रखेंगे तो एक्स देना चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि जी जो है आपका एफ का क्या है, इनवर्स फंक्शन है, क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, और उसको कैसे नोट करेंगे, एफ इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, जी लिखेंगे, बात को समझ में आ रही है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, देखिए सुनिए ए सेट है यहां पर, बी सेट है, सुनिए, ठीक है, सुनो, अब क्या है कि ये फंक्शन देख रहे हो कि इसी प्रकार एक ऐसे फंक्शन का इसमें निर्माण हो जाए कि जो क्या हो, बी सेट से ए सेट में हो। ऐसे मान लो यहां पर क्या है तुमको, ऐसे ये फंक्शन आपका है
एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स। अब एक ऐसे फंक्शन का निर्माण इसमें हो, वो फंक्शन निकालना आपको हम बताएंगे क्या होता है। सो आप सुनिए, ये किसके रूप में होगा, जैसे ये था आपका y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स था, और यहां सुनिए x बराबर एफ वाई बराबर y हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें अभी किसी केस में क्या होगा, ये वही केस होगा, सेम ही बात होगा, है ना, ठीक है। तो बात समझिए, अगर इसमें आठ गो रहता, अगर दो एलिमेंट छूट जाता बीस का, तब ये इनवर्टिबल फंक्शन नहीं होता ही नहीं, ठीक है, बात समझे। तो कुल मिला के बात क्या है कि एक ऐसे फंक्शन का अस्तित्व होना चाहिए, आप निकाल के देख सकते हैं अभी, इसका और इसका कंपोजिशन आप कीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर अगर दे देते हैं मान लो जी ऑफ वाई, अगर मान लो ठीक है, तो एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ आप निकाल के देख सकते हैं, तो आपको क्या आएगा, हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, क्या मिलेगा, अगर ऐसा मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, समझ रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा फंक्शन, ठीक है। जैसे कि आप कुछ इस पर हम लोग जो है ना कुछ इस पर नोट्स लिखेंगे, कुछ थ्योरम्स बताएंगे, ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए उसके बाद, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ बातें और जानेंगे, देखिए ये तो डिफिनीशन हो गया ना, अब जैसे कि क्वेश्चन हमको रहेगा, चाहे हमको चेक करना अगर है, कुछ रूल्स वगैरह होंगे, नोट में लिखिएगा, लिखो एफ इज से टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन इफ मतलब एफ, अगर एफ को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ। अब समझ लीजिए यहां पर जो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हुआ, हाँ यदि और केवल यदि एफ क्या हो, वन वन और सुनिए, अगर फंक्शन वन वन और वन टू है तो इन्वर्टिबल भी होगा, क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर f को दिखाना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट अगर ये भी लिख दिखा दिए कि वन वन और वन टू है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा, अगर फंक्शन को वन वन एंड वन टू दिखाना है तो इन्वर्टिबल अगर दिखा दिए तो क्या हो जाएगा, वो वन वन एंड वन टू, ठीक है, बाइजेक्टिव तो वही ना हुआ, बाइजेक्टिव किसको बोलेंगे, वन वन एंड वन टू को। अब बोलेगा सर हमको अगर वन वन एंड वन टू दिखाना है तो हम इन्वर्टिबल कैसे दिखाएंगे, मान लेते हैं कि इन्वर्टिबल दिखाने से वन 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 टू हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जान लीजिए बात, अगर सुन लीजिए बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन भी होता है, क्या होता है, ठीक है, मतलब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होगा, और इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव भी होगा, ठीक है, कहने का मतलब है कि दोनों क्या होता है एक दूसरे का, जैसे कि बाइजेक्टिव अगर है तो इन्वर्टिबल भी होगा, इन्वर्टिबल अगर है तो बाइजेक्टिव भी होगा, बात समझ गए, ठीक है, बाइजेक्टिव अगर है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव, ठीक है, बात समझ रहे हैं, यानी कि हमको अगर बाइजेक्टिव दिखाना है तो इन्वर्टिबल भी हम दिखा सकते हैं, इन्वर्टिबल दिखाना है तो बाइजेक्टिव भी दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम वन वन एंड वन टू तो दिखा लेते हैं, ठीक है, लेकिन इन्वर्टिबल कैसे दिखाएंगे, तो अभी तुरंत डिफिनेशन लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं, क्या डिफिनेशन है कि देखिए सुनिए, अगर एफ है देखो एक फंक्शन ए टू
बी है और एक जी फंक्शन है बी टू, ठीक है। तो एफ ऑफ जी बराबर आई बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और जी ऑफ एफ क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आइए क्या है, देखो तो यहां पर एक बात तुम समझो, देखो इसको लिख ही लेते हैं, फॉर ऑल एक्स, अगर यहां पर एक्स हम लेंगे, देखो समझो, अगर यहां पर तुम एक्स लिया, क्या लिया रे, क्या लिया एक्स, तो यहां पर क्या आना चाहिए आई बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। यहां पर जो हम लोग एक्स लेंगे ना, यहां पर ठीक है कि आईएनटी फंक्शन एक्स आएगा, लेकिन वो एक्स किस सेट का होगा, बी सेट का होगा, किसका होगा, क्योंकि जी का डोमेन क्या है हमारे पास, बी, जी का डोमेन क्या है, बी है। उसके बाद साथ ही जी ऑफ एफ, सुनिएगा, अगर यहां पर भी एक्स ले रहे हैं तो ये क्या होगा, आइए मतलब फोर एक्स बिलोंग्स टू, मतलब यहां पर जो एक्स एलिमेंट होगा यानी एक्स जो आएगा वो किस सेट का होना चाहिए, ये कहा, यहां जो एक्स हम रखेंगे ना, ठीक है, वो किस सेट का आना चाहिए, ठीक है, मतलब एफ का डोमेन आना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग लिखिए पहले इसको, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एनसीईआरटी की तरफ क्वेश्चन होगा उसमें, हो गया स्टार्ट, चल देखो, अब देखो सुनो, अगर ऐसा हो गया एफ ऑफ जी बराबर ऐसा चला है ना, सुनो यहां भी एक्स आएगा, यहां भी एक्स आएगा, ठीक है, लेकिन सुनो अब इनवर्स ऑफ एफ क्या होगा रे, इसको एफ इनवर्स बोलेंगे, क्या होगा, जी होगा, कौन होगा, जो एक साथ रहेगा, अगर इस दोनों रूल को मतलब कि f इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ऐसा कुछ पढ़े थे क्या, आप सुनिए, सुनिए एक मिनट, सुनिए एक चीज समझिएगा कि f ऑफ g बराबर क्या आएगा, हमको आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, यहाँ x रखने से क्या आएगा, x नहीं आएगा, क्यों आएगा, कहे कि g जो है f का क्या है, इनवर्स, इनवर्स हम क्या कर दिए, डायरेक्टली यहाँ इनवर्स को डाल दिए, किसको डाल दिए, इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ अगर यहाँ एक्स है तो क्या आएगा, बोलो रे, बोलिए, क्या आता है यहाँ, एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा, फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, इसके डोमेन में, कहाँ बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से, बस समझ रहे, अच्छा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स अगर लिया जाए तो क्या होगा, एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स ही आएगा, लेकिन एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, कहाँ करेगा बिलोंग, बी में, बताओ, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब एफ, अब देखो एफ अगर ए से बी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से, यहाँ पर ये एक्स कहाँ का होगा, बी से का होगा, किसका होगा, बस समझ रहे हैं, अच्छा आप एक और बात समझ, कि अगर f इनवर्स का जो डोमेन होगा, f इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या हो, क्या होगा डोमेन, तो वो आपका क्या होगा कि f का को डोमेन होगा, f का क्या होगा, चाहे f का रेंज होगा, क्या होगा, रेंज, अब समझ लीजिए, कोई अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका को डोमेन और रेंज सेम होता है, को डोमेन और रेंज क्या होता है, काहे सेम होता है, काहे कि इन्वर्टिबल फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है, और जब फंक्शन ऑन टू हो जाता है तो को डोमेन और रेंज क्या होता है, सेम होता है, इसलिए नोट फोर्थ में लिखिएगा आप लोग, फोर्थ नंबर में, कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है, रेंज ऑफ,
और रेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ, यानी एफ का अगर रेंज निकालना हो तो एफ इनवर्स का हम लोग डोमेन निकालते हैं। एफ का रेंज निकालना हो तो क्या करेंगे रे, डोमेन, इसका डोमेन निकालेंगे एफ का। बिल्कुल सही जवाब, सही है। अब इसके बाद एक और मैं जान लू इसमें कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब एफ वन वन एंड ऑन टू बाइसेक्टिंग, लिखा दिया यहाँ एफ इज सेड टू बी एन इनवर्टिबल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू, यानी कि बाइसेक्टिंग फंक्शन है तो इनवर्टिबल होगा, इनवर्टिबल है तो बाइसेक्टिंग। ये पूरी बात आपको लिखा दी गई, कोई समस्या नहीं है। यानी कि अगर आपको चेक करना हो कि कोई फंक्शन इनवर्टिबल है कि नहीं तो आप दो मेथड से चेक कर सकते हैं। एक है पहले आप वन वन ऑन टू दिखा दीजिए तो भी हो जाएगा, या फिर आप एक ऐसा जी फंक्शन लीजिए एफ ऑफ जी बराबर ऐसा होना चाहिए जी ऑफ एफ बराबर। अब क्वेश्चन उठेगा सर हम जी कहाँ से लाए, तो जी निकालना होगा अपना से। जी कैसा निकलेगा वही आप क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। हाँ एफ तो दिया रहेगा, एफ आपको दिया रहेगा, आपको जी निकालना होगा, या फिर आपको जी निकालने की अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा वन वन एंड ऑन टू लिखेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आप जी निकालना बहुत ही आसान है और इस पर क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए हम देखते हैं क्वेश्चन इस पर, इसको नोट कीजिए इधर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस पर एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं पहले, जैसे कि एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, लेट ए इक्वल्स क्वेश्चन भी है सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई ए सेट है और कोई क्या है, बी सेट है, एफ मैपिंग है ए से बी, इज अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ वन इक्वल्स टू, एफ टू इक्वल्स फोर, एफ थ्री इक्वल्स सिक्स, राइट डाउन एफ इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स हमको लिखना है। सबसे पहले एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा ये जानना है, क्या इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये तो पहले जानना होगा ना, क्या तो देखते हैं कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि देखिए ए सेट आपका क्या दिया हुआ उसको बना लीजिए यहाँ पर ऐसे करके, सिंपल अगर आपको देखना है कि वन वन है कि, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें इसी प्रकार चेक कीजिएगा, अगर फंक्शन इक्वेशन टाइप में रहे तो फिर अलग ढंग से चेक कीजिएगा, पहले आप इसका एग्जांपल बनाइएगा तभी क्वेश्चन, ए सेट है और ये क्या है बी सेट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ए सेट क्या है हमारे पास वन टू थ्री, बी क्या हमारे पास फोर टू सिक्स, वन किसे मिल रहा है टू से, टू किसे मिल रहा है फोर से, थ्री किसे मिल रहा है सिक्स से। अब बताइए ये फंक्शन जो ए से बी में है, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन है यहाँ पर, वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है कि नहीं तो बताइए, वन वन एंड ऑन टू क्या होता है, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज, मतलब एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इनवर्स, सो वी कैन से दैट ए इज वन वन फंक्शन, मतलब
एक एक प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न क्या है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए ए क्या हो गया, एफ क्या हो गया, वन वन हो गया। अब ऑन टू में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, यानी कि बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट का ए सेट में प्री इमेज होगा। अब प्री इमेज आप जानते हैं, जैसे कि फोर का प्री इमेज कौन होगा, टू होगा, टू का प्री इमेज एक होगा, सिक्स का प्री इमेज एक होगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत लिखेगा, सिंस एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कि ए के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। Therefore, F is क्या हो जाएगा, साथ में लिखते हैं वन वन तो हो गया, अब साथ में लिखते हैं एन सेट बी है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, प्री इमेज इन सेट ए, प्री इमेज इन सेट मतलब एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज थ्री इमेज इन सेट ए, मतलब कि ए सेट के भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या है, भिन्न भिन्न आपको दिखाई दे रहा हो, देख रहे हैं आप लोग, और बी सेट के प्रत्येक अवयव का थ्री इमेज है, यानी बी का कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, देयरफॉर एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, एफ क्या है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अच्छा आप एफ वन वन एंड ऑन टू है, सो एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, एफ इनवर्स इज एफ इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब एफ इनवर्स का अस्तित्व, अब f इनवर्स का अस्तित्व है, लेकिन है क्या f इनवर्स, सुनिए f अगर a से b में है, f कहां है a से b में, लिखेंगे f इनवर्स बराबर कैसे लिख पाएंगे, f अगर a से b में है तो f इनवर्स कहां से कहां तक होगा बताइए, होगा f अगर a से b में है तो f इनवर्स b से a में, यानी कि b किससे मिल रहा है, देखिए तो चार कैमरा से मिला रहे, चार कितना से मिला है, दो से चार कमा दो हो जाएगा, दो कमा कितना मिलेगा, छह कमा तीन हो जाएगा, तो यही क्या हो गया तुम्हारा एफ इनवर्स, बात समझा कि नहीं समझा, बस एफ जो लिखा हुआ है उसको आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, तो क्या निकल जाएगा आपको, इनवर्स निकल जाएगा, इस वाले में ना, अंक वाले में, संख्याओं वाले में, लेकिन अगर क्वेश्चन इक्वेशन पर रहे तो उसके हम क्या करेंगे, वो भी पहले इसको देखिए, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने एफ इनवर्स निकाला, ठीक है, मतलब कि एफ इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले उसको देखना होगा कि वो इनवर्टिबल है कि नहीं, यहाँ पर इनवर्टिबल था है ना, इसलिए क्या हो गया, एफ इनवर्स एग्जिस्ट किया और तो हम लोग एफ इनवर्स निकाल, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ऐसा रहे, देखिए अगर देखिए फंक्शन है एफ में आर टू आर ये क्या है फंक्शन आपका वाई बराबर एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस तीन और आर टू आर है, एक तरीका तो ये है कि पहले आप इसको 1 1 एंड 1 2 देख लीजिए, जो कि आप लोग देख लीजिएगा 1 1 1 2 आराम से देख लीजिएगा ना, उसके बाद अगर 1 1 1 2 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे कि एफ इनवर्स कर रहा है, लेकिन उस केस में फिर हम एफ इनवर्स निकालेंगे कैसे, सुनिए
अगर y बराबर एफ एक्स है, क्या है y बराबर, और साथ में f अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्या है बाइजेक्टिव मतलब 1-1 एंड 1-2 है, तो x बराबर हम क्या लिख देंगे f इनवर्स y, क्या लिखेंगे x बराबर f इनवर्स। ऐसा हम तभी लिख सकते हैं जब y का f क्या हो 1-1 एंड 1-2, यानी कि y अभी x के पदों में है तो x को किसके पदों में लिखना होगा, y के पदों में लिखाना क्या कहलाएगा उसका इनवर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है y बराबर है x प्लस 18, अभी y किसके पदों में है x के पदों में, अब x को क्या कीजिएगा आप लोग y के पदों में, x बराबर क्या लिख दीजिएगा y माइनस 18, तो y माइनस में होगा x बराबर क्या हो गया y माइनस 18, इसलिए f इनवर्स y क्या हो जाएगा y माइनस, यानी कि इसको अगर f इनवर्स x निकालना हो तो क्या होगा x माइनस 3 हो जाएगा। अब चलो तुम एक काम तो ये हो गया कि 1-1 देख लेगा, उसके बाद इस तरह से बना देगा, ठीक है। एक तरीका और है, तरीका क्या है सुनिए, पहले आप लोग इसका इनवर्स निकाल के देख लीजिए, इनवर्स निकाल लीजिए, उसके बाद आप निकालिए f ऑफ g, क्या निकालिएगा f ऑफ, अगर यहाँ x रखते हैं तो क्या आना चाहिए, ठीक है, और ये x किस सेट का होना चाहिए, इस r सेट ऑफ रियल नंबर, निकाल के देखिए f ऑफ gx होगा। अच्छा, इसको जो इनवर्स आप लिए हैं इसी को क्या मान लीजिएगा, gx मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, ठीक है, क्या मान लीजिएगा इसको, मतलब आप मान के चलिएगा ये जो g है ये f का क्या है इनवर्स है, g क्या है आपका, और फिर सिद्ध कीजिएगा कि ये इनवर्स है कि चेक कर लीजिएगा, जैसे इनवर्स एक बार निकाल लिए अब क्या कीजिएगा आप लोग इसको चेक कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, ठीक है, चेक कैसे करेंगे देखिए, यहाँ जी एक्स का क्या रखने बोलिए, एक्स माइनस होगा ऐसा रे, रे ऐसा हो जाएगा एक्स माइनस 3 हो सकता है। अब एफ एक्स बराबर कितना है एक्स प्लस, यहाँ क्या है एक्स माइनस, रखो वहां एक्स माइनस 3 प्लस कितना आ जाएगा, 3 से 3 कितना आ गया एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे आइडेंटिटी एक्स लिख देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। अब g ऑफ f निकालिए, क्या निकालिए g ऑफ एफ एक्स। अच्छा तुम अगर यहाँ y रखता, क्या रखता है यहाँ y, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था y, इतना ध्यान रखना, ठीक है, अगर तुम अगर यहाँ y रखेगा यहाँ क्या आएगा g ऑफ एफ एक्स कितना है, g ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना है x प्लस, अब जी एक्स यहाँ एक्स का कितना है एक्स माइनस, तो ये एक्स की जगह क्या रखेंगे कितना आ गया एक्स, ये भी क्या हो गया, लेकिन ये जो एक्स आएगा वो कौन सा, ये भी रियल नंबर का ही होगा, ये भी क्योंकि आपका एफ अगर आर टू आर है तो जी भी कहां से कहां तक होगा, जी भी आपका आर से आर तक। एक तरीका तो ये है कि आप पहले इनवर्स निकाल लीजिए उसके बाद एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालिए, और अगर ऐसा आ रहा है तो भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है इनवर्टिबल, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन रहेगा आपको 1-1 और 1-2 देखने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कैसे इनवर्स उसका निकाल दिए क्या, इसलिए पहले आप जान जाइएगा कि इसका इनवर्स निकल सकता है कि, मतलब दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर फंक्शन को आपको 1-1 एंड 1-2 दिखाना है तो भी आप इस तरह से, बात समझ गए। अब सुनिए, अब इसमें जो भी क्वेश्चन आपको होगा, ठीक है, किताब में एनसीईआरटी के जी सिन्हा आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा किसी में भी होगा, उस पर से क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।